अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम खानेवार रेलवे लोको शेड के अंदर। 1917 में ये लोको शेड अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में कायम किया गया था, जिसका काम था इंजन की रिपेयरिंग का। आज यहाँ पर एक अदद रिलीफ ट्रेन भी मौजूद है, एक क्रेन भी मौजूद है, जिसको हादसे वाली जगह पर रिलीफ ट्रेन के साथ अटैच करके हादसे वाली जगह पर पहुंचाया जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर एक अदद सायरन भी ऊपर लगाया गया है, ताकि अगर किसी जगह पे हादसा पेश आए उस सायरन को बजाया जाए और इस शोबे से जो मुतल्लिक मुलाजमीन हैं उनको फौरी तौर पर इकट्ठा किया जा सके और इस रिलीफ ट्रेन को हादसे वाली जगह पर भेजा जा सके। मज़ीद इस वीडियो में आपके साथ बाकी मालूमात शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, आए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं यही वो रिलीफ क्रेन है जिसको ट्रेन के साथ अटैच कर हादसे वाली जगह पे पहुंचाया जाता है, ताकि ट्रैक पर मौजूद जो कि इंजन और बोगियां होंगी उनको वहां से हटाया जाएगा और बाकी जो ट्रेनों की रवानगी है उसको बहाल किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे लंबे रूट से आई गाड़ी उसके इंजन को यहाँ पे लाया जाता है, उसका आयल चेक किया जाता है, उसकी बाकी रिपेयरिंग की जाती है और उसका जो इलेक्ट्रिक जितना भी काम होता है वो यहाँ पे ला के चेक किया जाता है। यहाँ पे एट अ टाइम मुलाजिम मौजूद होते हैं जो कि अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं। जी नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो टैंक है जिनके अंदर डीजल होता है, और मज़ीद आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे ला के इंजन के अंदर डीजल फुल किया जाता है। जी नाज़रीन, ये वो जगह है मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ पे चार टैंक मौजूद हैं और इनके अंदर ऑयल है, और इस जगह पे इंजन को ला के उसको फिल किया जाता है। जी नाज़रीन, रेलवे पाकिस्तान की हदूद में एक ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को क्लासें दी जाती हैं, ड्राइवरों को यहाँ पे क्लासें दी जाती हैं। बड़ी क्लासों के लिए लाहौर भेजा जाता है और जो छोटी क्लासेज हैं नए आने वाले ड्राइवर इसी स्कूल के अंदर ट्रेनिंग हासिल करके पाक ट्रेन के ड्राइवर बनते हैं। जी नाज़रीन, ये वो जगह जहाँ पे इंजन को लाया जाता है और इंजन का रुख बदला जाता है। इसका एक हैंडल उस साइड पे लगा हुआ है और एक हैंडल ये लगा हुआ है। इस हैंडल को ऐसे नीचे किया जाता है और दूसरी साइड से हैंडल को नीचे किया जाता है और इंजन का इस दायरे के अंदर रुख बदल दिया जाता है, इंजन का रुख उस तरफ हो जाता है। बात की जाए रेलवे मुलाजमीन की, तो सख्त गर्मी के अंदर तेज़ धूप के अंदर ये मुलाजम आप देख सकते हैं जो मेहनत कर रहा है ताकि हम आवाम के लिए आरामदायक सफ़र जो हम रेलवे में बैठ के इंजॉय करते हैं वो हमको मुहैया किया जा सके। Oh, oh, oh।
जी बिल्कुल, इनके इंचार्ज साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपनी जेरे निगरानी में इस काम को कैसे सर अंजाम देते हैं और इस काम को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? नईमुद्दीन उमर। अच्छा नईम साहब, आप ये बताइए, आप यहाँ पे इस फील्ड के इंचार्ज हैं, तो आपके जिम्मे क्या काम है? हमारे जिम्मे काम होता है रेल की मेंटेन करना। 7-8 आदमी मेरे पास काम करते हैं, हम रोज़ाना इसको चेक करते हैं, जहाँ से ख़राब होती है वहाँ पर हम इसको ठीक करते हैं। ये हमारा रोज़ाना रूटीन वर्क है हमारा ये। जी बिल्कुल, जैसा आपने इनके इंचार्ज नईम साहब की बात सुनी, 6 किलोमीटर की बीट इनके पास होती है इनकी हदूद में, जिसकी ज़ेरे निगरानी इनके पास होती है, रोज़ की बुनियाद पर ये ड्यूटी अपनी सर अंजाम देते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूं, यहाँ इस रेलवे की हदूद में एक पार्क बनाया गया है, जो कि रेलवे मुलाज़मीन ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। यहाँ अच्छे फूल लगाए गए हैं और यहाँ पे टेबल भी रखे गए हैं और पानी का यहाँ पे साफ ठंडा पानी का निज़ाम भी मौजूद है। जी तो खानेवार रेलवे लोको शेड के हवाले से आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।